हे फ्रेंड्स, आपको फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल में। तो दमन में आपका स्वागत है। तो ये देखिए मेरे पीछे, ये है देवका बीच, और ये जो नीचे जो रोड गया है आप देखिए, ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग भी काफ़ी कम हैं, क्योंकि अभी बारिश अभी रिसेंटली चालू हुआ है और अभी थोड़ी देर पहले बूंदाबांदी भी हुई है, तो इसलिए शायद लोग भी कम हैं। बट ट्रैवलर के लिए तो ये बारिश रोक नहीं सकता है ट्रैवलर्स को, राइट? सो अभी मैं आके पहुंचा हूं दमन में, और ये है देवका बीच, ठीक है? तो आपको आगे का भी डिटेल्स में देता हूं कि दमन में और क्या क्या है, आप क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उससे पहले आप दमन कैसे आएँ, तो दमन आने के लिए आप बाय रोड प्रेफर कर सकते हैं, बाय ट्रेन प्रेफर कर सकते हैं, बट आपको आना है वापी, इधर बाय रोड और बाय ट्रेन। और वापी यहाँ से कितना, सिर्फ 12-13 किलोमीटर है, तो वहाँ से आप ऑटो करके आ सकते हैं रिजर्व, और आप एसटी मतलब जो स्टेट ट्रांसपोर्ट का गवर्नमेंट का बस है, आप उससे भी आ सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने ऑटो रिजर्व नहीं किया, हम एसटी से आए, बस से आए, क्योंकि वो एक अलग एक्सपीरियंस है। बट अगर आपको वो स्टेट का प्रॉपर ज्योग्राफिकल फिगर अगर आपको देखना है, तो आप उनके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए, आपको अच्छे से आइडिया आएगा कहाँ पे क्या क्या है और फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलता है, ठीक है? तो हमने वही किया है। तो एक अभी ये प्रॉपर व्यू आप देख लीजिए। तो ये अभी रोड का कंस्ट्रक्शन चालू है, शायद इसलिए यहाँ पर कोई गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, इसलिए कोई टूरिस्ट भी यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। यही रीज़न है, क्योंकि रोड का कंस्ट्रक्शन चालू है। तो हम तो आए हैं यहाँ से, ठीक है? अभी कैसे जैसे तैसे तो मैं उतर के आ गया, बट अभी देखते हैं कि मैं ऊपर चढ़ूँगा कैसे। आई डू इट एनीवे। तो थोड़ा नज़दीक से और दिखा देता हूँ आपको समुंदर। रोड ताज़ा ही बना हुआ है वैसे। अंदर जाने के लिए रास्ता एक वहाँ पे रोड जैसा तो दिख रहा है, नहीं रोड तो नहीं है वो। अच्छा, लोग वहाँ पे हैं, कुछ लोग हैं वहाँ पे, तो चलिए वहाँ पे चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ की मिट्टी थोड़ी काली है, ठीक है? मतलब ऐसी मिट्टी समंदर में, और ऐसे रेत, हाँ समंदर वाली ऐसी रेत ना काफ़ी रेयर है, जो कि यहाँ का है। बट पानी यहाँ का थोड़ा साफ नहीं है, ये रीज़न शायद ये मिट्टी की वजह से, क्योंकि यहाँ की मिट्टी काली है इसलिए पानी आपको ऐसा दिख रहा है। बता दूँ हमारे होटल का, ये आपको एक टैटू स्टूडियो मिलेगा, ठीक है? तो ये टैटू स्टूडियो के जस्ट बगल में एक गेट है, ये गेट के अंदर है वो होटल जिसका नाम है साई रेस्टोरेंट हाउस। तो चलिए अंदर।
तो ये उसका पार्किंग एरिया है, ये एरिया जो है ये बाइक पार्किंग के लिए है। और ये इनका रेस्टोरेंट एरिया है, और ये जो मैंने दिखा ये डाइनिंग एरिया है। सो अभी यहाँ पे चलते हैं। हाय हार्दिक जी, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, वेरी गुड। सो ये होटल का क्या नाम है? साई रेस्टोरेंट हाउस। और ये एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? ये देवका रोड, मेन देवका रोड, मरोड, देवका बीच का जो रोड है। यस, मेन रोड। अच्छा, वो मेन रोड है। और लैंडमार्क कुछ है? लैंडमार्क नियर सिल्वर सैंड रोड, सिल्वर सैंड बीच रिसोर्ट। ओके, सिल्वर सैंड बीच रिसोर्ट। ओके, सो आपके पास कितने रूम्स हैं टोटल? टोटल 18 रूम्स हैं। और क्या वैरायटी में है? एसी, नॉन एसी? एसी एक रूम है सर, और स्टैंडर्ड रूम्स है और डुप्लेक्स रूम्स है। ओके, सारे एसी है, स्टैंडर्ड एंड डुप्लेक्स। सो प्राइस रेंज क्या है? वीकेंड के मीन्स हमारे जो स्टैंडर्ड रूम्स है उनके 4000 है, और डुप्लेक्स के उसके 5000। ओके, और वीकडेज में? वीकडेज में 25 to 3000। और सीजन, नॉन सीजन? नॉन सीजन में मीन्स ये जो मिड वीक का भी जो रेट है वो नॉन सीजन में रहता है। और सीजन मतलब कौन से महीने से कौन से महीने? मीन्स ये अप्रैल से लेके हमारा ये जून तक सीजन रहता है, जब तक इसको रुक नहीं होता। ओके, हाँ, मतलब समर वेकेशन। समर वेकेशन पूरा। सही, ठीक है। तो एक बार मैं रूम भी देख लेता हूँ। ओके, और फूड का क्या फैसिलिटी है? फूड में हमारे पास नॉन वेज, वेज, चाइनीज। आपका खुद का किचन है? यस, खुद का किचन। और मैंने देखा डाइनिंग एरिया भी है। ठीक है फिर। और पार्किंग एरिया भी काफी अच्छा है, मतलब 400 पार्किंग भी होता है। हां, फूड का कितना भाई? बच्चे का 50, बड़े का 100। कितना है बच्चे का? 50 और बड़े का 100। कितना? तो ये अभी हूँ जामपुर बीच में। देखिए दम नहीं है इसमें, बड़ी लहरें तो उठ भी नहीं रही है। तो मैं हूँ अभी मोटी दमन किला में। तो वो किले के बाहर ये एक टैंक रखा हुआ है, और ये जो टैंक का जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। हिस्ट्री देखिए कि ये T-55 टैंक है, और ये ज़्यादा यूज़ हुआ है 1960 और 1980 में, जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था उसमें ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो ये टैंक ने पाकिस्तान के टैंकों की तो धज्जियाँ उड़ा दी थी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है, आप ये वीडियो पॉज करके ये सारा कुछ देख सकते हैं। ये आपको मैं टैंक का 360 डिग्री व्यू दिखा रहा हूँ, जो कि हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा है पाकिस्तान के टैंक को ध्वस्त करने का।
अभी हम चलेंगे किले के अंदर। तो ये काफी एक ब्लाइंड स्पॉट है किले के अंदर जाने के लिए। यहाँ से गाड़ियां भी आती जाती है, तो आप ये जो मिरर्स लगे हुए हैं तो वो देख के आप यहाँ अंदर आइए। ठीक है, तो अंदर आप जैसे ही आएंगे ये एक अच्छा सा अच्छा कलर कॉम्बिनेशन वाला वाइट एंड ब्लू, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, और आगे आपको म्यूनिसिपल काउंसिल म्यूनिसिपल ऑफिस मिलेगा। बट जैसे ही आप अंदर आएंगे तो यहाँ से आपको राइट लेना है। तो ये है किला का गेट, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए बता दूँ एंट्री फीस कुछ भी नहीं है। किले में तो कोई है ही नहीं, और ये किला जो है ये पोर्तुगीज के टाइम का किला है। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन और बता दूं, जैसे पोर्तुगीज गोवा के रास्ते इंडिया में आए थे, वैसे दमन के रास्ते से भी इंडिया में आए थे। तो इसलिए आपको जगह जगह पे दमन में पोर्तुगीज का जो कल्चर है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको गोवा में भी देखने को मिलेगा। तो इसीलिए दमन को गुजरात का गोवा बोलते हैं, नहीं तो छोटी गोवा बोलते हैं या छोटा गोवा बोलते हैं, नहीं तो गोवा का छोटा भाई भी बोलते हैं। तो ऐसे कुछ और नाम है दमन के। तो मैं अभी ऊपर आया हूँ और आपको थोड़ा कुछ और भी दिखा देता हूँ इसमें। यहाँ से सिटी का व्यू देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है। सामने रोड गया है, एक केनाल या नदी टाइप का केनाल ही है गया है, जिसमें कि अभी पानी नहीं है, और रोड के उस पार प्लेग्राउंड। तो प्लेग्राउंड में अभी चल रहा है फुटबॉल, तो ये आप थोड़ा फुटबॉल का भी मज़ा ले लीजिए। बस उतना ही मज़ा लीजिए, क्योंकि मुझे और भी कुछ दिखाना है आपको। चलिए, ये प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया गया है टाइम टू टाइम। इस साइड से भी एक व्यू दिखाता हूं। ये एक छोटा सा रास्ता है जो कि मुझे उस पार लेके जा रहा है, तो चलिए चलते हैं। और अच्छा, ये देखिए ये गेट भी बना हुआ है, ये देखिए वो गेट और एक गेट। तो अच्छा, ये अंदर जाने के लिए एक और गेट है यहाँ पे। अच्छा, तो हमने वहाँ से ऊपर का रूट ले लिया, नीचे से आते तो यहीं से आते हम। तो देखते हैं अभी वहाँ जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अंधेरा होने का टाइम भी हो गया है। ओ, तो यहाँ से अभी चलेंगे। और अच्छा, तो ये अभी ऐसा है, बट अच्छा, तो यहाँ पे कोई बाउंड्री उन्होंने नहीं लगाया है, तो ये काफ़ी डेंजरस है, तो यहाँ तक तो किसी को नहीं आना चाहिए। ये देखिए, मैं अभी पास में जा रहा हूँ। ये तो यहाँ से शायद वो दुश्मन को टारगेट करते थे। ये देखिए, ये एक छोटा सा है, ये भी वैसा ही है
बट इसका एंगल थोड़ा अलग है और आगे ब्लॉक कर दिया गया है। ये एंगल वैसा पहले जैसे का ही है बट इसका एंगल जो है वो थोड़ा अलग है, जैसे कि इसका है, इसका भी एंगल वैसा ही है और ये भी ब्लॉक किया हुआ है। तो ये सारे होल्स दुश्मन को टारगेट करने के लिए बनाए गए हैं। अच्छा, आप यहाँ पे भी देखिए, तो ये भी वैसा ही कुछ रिक्वायरमेंट के लिए बनाया गया हुआ है, जैसा कि ये। अच्छा, ये सामने आपको पार्किंग का भी जगह मिल जाएगा, ये सारे पार्किंग के लिए जगह है और यहाँ पे आपको वॉशरूम्स भी मिल जाएंगे। ये आपको दिखाता हूँ आम के पेड़ पे कटहल कैसे उगते हैं। ये देखिए, ये आम है, ये आपने देखा, ये आम दिख रहा है, तो ये देखिए ये अभी कटहल। तो ये एक जोगी था ना फालतू वाला, क्योंकि आम का पेड़ ये है, कटहल का ये है और दोनों ऐसे जुड़ गए हैं आपस में कि लग नहीं रहा, ऊपर देख के लग नहीं रहा कि आम का कौन सा कटहल का कौन सा, अनलेस अगर आप पत्ता पहचान सके तो। तो ये लेडी ऑफ रोजारियो का प्रार्थनालय है, आप यहाँ पे पॉज करके ये पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं, हिंदी में है, इंग्लिश में है। इसका जो लोकेशन है ये वही फोर्ट के पास ही है, जो म्यूनिसिपल ऑफिस का जो लेन है वहीं पे है और अभी ये बंद है, इसलिए मैं आपको सिर्फ बाहर का ही व्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ के कुछ और सीनिक व्यूज़ और टूरिस्ट पॉइंट्स जो कि मिस हो गए मेरे से, मैं नहीं कर पाया क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही दिन का टाइम था, तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं दमन आऊँगा वो सारे कुछ मैं कवर कर लूँगा।